फ्री स्टाइल मूवमेंट यानी कि आपका काफ़ी तेज़ी से बिना डरे एग्रेसिव होके खेलना। गए सालों में ब्राज़ील सर्वर के यूट्यूबर्स और प्लेयर्स ने फ्री स्टाइल मूवमेंट को करना स्टार्ट किया था और उनकी वजह से ही ये मूवमेंट का नाम और ये मूवमेंट फ्री फायर कम्युनिटी में और यूट्यूब में प्रचलित हुआ। तो आपको अगर ये मूवमेंट नहीं आता है करना तो आप सही वीडियो पे आए हैं। मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूंगा कि कैसे करते हैं इस मूवमेंट को स्टेप बाय स्टेप और इसका यूज़ क्या है। भी ब्राज़ीलियन प्लेयर्स की तरह काफ़ी तेज़ी से खेलना चाहते हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस मूवमेंट को करने के लिए तो वीडियो को एंड तक देखना, ट्यूटोरियल को समझ के जाना। मुझे पर्सनली 3 साल हो गया है फ्री स्टाइल मूवमेंट में गेम प्ले करते हुए, तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा और मेरा एक फ्रेंड भी है जो स्टार्टिंग से मेरे साथ है तो वो भी 3 साल से या ज़्यादा से फ्री स्टाइल मूवमेंट में खेल रहा है और वीडियोस बना रहा है और उसने उसके एक्सपीरियंस बेस्ड एक वीडियो बनाया है और मैंने भी, और हम दोनों ने चैलेंज रखा है कि दोनों अपने अपने तरीके से फ्री स्टाइल मूवमेंट पे वीडियो बनाएंगे। उसके चैनल का नाम पार्डन FF है तो आप उसका भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं और आपको बताना होगा कि किसका वीडियो अच्छा है और आपको आगे किस तरीके के वीडियो चाहिए हमारे। हम 1v1 करके भी वीडियो बना सकते हैं तो कमेंट में बता देना। एंड हेलो एवरीवन, आई एम मीत। तो चलिए सीखते हैं। तो मैं आपको बेसिक्स समझा देता हूँ, कौन से बटन्स आपको किस क्रम में दबाने हैं। तो इसके लिए कुछ रेगुलेशंस है, जैसे आपको स्विच बटन को और जंप बटन को लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा। आपको जैसे सही लगता है वैसे रखो और दूसरा कुछ नहीं है। अभी स्टेप्स देख लेते हैं। ये फ्री स्टाइल मूवमेंट है तो इसमें आपको फियरलेस होके खेलना पड़ेगा और जब आप फियरलेस होके खेलोगे तो तभी ही आप इस मूवमेंट को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। देखते हैं कि जैसे आप रन कर रहे हो, रन करने के बाद आपका कैरेक्टर रन पोजीशन में आएगा तो बंदा जैसे ही आपको दिखता है तो आपको स्क्रीन को राइट या लेफ्ट या किधर भी जिगजैग करना है, इससे आपका मूवमेंट अच्छा होगा। सेकेंड स्टेप है आपको स्विच बटन दबाना है। थर्ड स्टेप है आपको स्क्रीन को जिधर भी आपको आपका कैरेक्टर को जंप कराना है उस तरफ स्क्रीन को टर्न करना है और इमिडिएटली जंप दबाना है और जंप दबाने के बाद वापस से एनिमी की तरफ स्क्रीन को टर्न करना है। फिर एमिंग हो जाने के बाद, एनिमी पे एम आ जाने के बाद फायर करना है और फायर जैसे ही करोगे बुलेट छूटे वैसे ही आपको वापस स्विच और रन बटन पे क्लिक करना है और स्क्रीन को जिगजैग करना है और वापस से यही स्टेप फॉलो कर। तो यही था फ्री स्टाइल मूवमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर, आपको ये प्रैक्टिस करने से समझ आ जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि यूज़ क्या है इसके। तो एकमात्र यूज़ है इसका कि जब आप रश करते हो तब ये आपको काफ़ी काम आने वाला है। इस मूवमेंट से एनिमी आपको आसानी से नहीं मार पाएगा और आप मूवमेंट करके एनिमी को कंफ्यूज करके मार पाओगे। और बाकी आप इसको कस्टम रूम्स में 1 टैप खेल रहे हो तो कर सकते हो। आप एक कंफर्टेबल सेंसिटिविटी भी रख लेना, इससे इस मूवमेंट को करने में सहाय मिलेगी। मैंने सेंसिटिविटी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है तो आपको अगर सेंसिटिविटी का वीडियो देखना है तो अभी जाके देख सकते हो। और यार धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।